विशेष लाभ योजनाओं की बात है तो हम लोग सभी स्कीम्स केसीसी टर्म लोन ट्रैक्टर के लिए और जितनी भी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर में होती है सभी के लिए हम लोन देते हैं और हमारा इंटरेस्ट रेट जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बड़ा कंपटीटिव होता है। हम किसानों के हित में एक बहुत बड़ी हमने योजना जो चला रखी थी वो ये चलाई थी कि जितने भी केसीसी के लोन वाले होंगे उनका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो बीमा होना है उसका खर्चा बैंक वहन करेगी। एक तो ये स्कीम हमने चलाई थी जिसका लाभ हम सभी किसानों को दे रहे हैं जो हमारे यहाँ से रेगुलर केसीसी किसान होल्डर्स हैं। तो मेरा पहला तो सबसे निवेदन यही होगा कि जो आपके माध्यम से भी कि जो लोग केसीसी का लोन हमसे लिए हुए हैं वो अपने लोन को नियमित रूप से चलाएँ और इस सुविधा का लाभ उठाएँ। इसके अलावा हम ये पा रहे हैं कि वो आपने देखा होगा इस बार के बजट में भी जो इम्फेसिस रहा है वो ये रहा है कि हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दें। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने का मतलब ये है कि जो लोग किसान संगठित रूप से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने में सक्षम नहीं है उनकी विशेष योजनाएं शुरू करेगी। हमारी बैंक ऑलरेडी इस समय इसमें काम कर रही है और नाबार्ड के सहयोग से एफपीओ को फाइनेंसिंग में हम अग्रणी हैं इस जिले पूरे स्टेट में। और हमने ऑलरेडी अटेरना में जो सोनीपत जिले का एक गांव है उसमें दो एफपीओ को इस बार क्रेडिट लिंक किया है, उनको क्रेडिट की लोन दिए हैं हमने। साथ में करनाल और अंबाला साइड में भी हम ये काम कर रहे हैं। हमारा निश्चित रूप से एक अनुरोध होगा कि वो किसान भाई जो अपने प्रोडक्ट को समुचित रूप से व्यवस्थित करके मार्केट तक ले जाने में भी सक्षम नहीं है तो वो अपना इस एग्रीगेशन का एक काम बढ़ाएं और उस एग्रीगेशन काम के लिए बैंक के पास लोन लें और बैंक उनको समुचित रेट पर लोन दे के वो चाहती है कि किसान की जो आमदनी है वो, क्योंकि 2022 तक प्रधानमंत्री महोदय ने कह रखा है कि हम चाहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी हो, तो उसके सापेक्ष में अगर हम एग्रीगेटर का काम भी किसान करने लगेंगे तो उनकी आमदनी निश्चित रूप से जो कंज्यूमर प्राइस है आज की तारीख में तो उस कंज्यूमर प्राइस में फार्मर का स्टेक बढ़ना चाहिए। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे वो प्रोडक्टिविटी के अलावा अपनी आमदनी को दोगुना करने में सक्षम होगा। ये योजनाएं हम अपने नियमित रूप से चला रहे हैं। तो सर इससे कि जैसे कि आप एक बार किसान को लोन दे देते हो फिर उसे दोबारा भी आप मतलब लोन कर देते हो तो ये क्या स्कीम है जिससे कि किसानों के समझ में आ सके, इसके लिए कोई मतलब नई तरह की योजना या नई मतलब यो किसानों को जागरूक करने के लिए कोई ऐसे शिविर या कोई ऐसी बैठक? बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक अच्छा सवाल किया। वो किसानों के हित में इसलिए भी है कि बहुत से किसान भाई होते हैं जो समय से किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या आपदा की वजह से लोन अदा नहीं कर पाते समय पर, ऐसे अकाउंट खराब हो जाते हैं जो रेगुलर या एनपीए हो सकते हैं। हमारी बैंक ने एक नई स्कीम बना रखी है जिस स्कीम में जो हमारे एनपीए अकाउंट होते हैं और जो किसान की सामर्थ्य की बाहर की वजह से एनपीए हो गए उन अकाउंट को अगर किसान आके ओटीएस में सम्मिलित होकर उस अकाउंट को एडजस्ट करता है तो हम उसे पुनः लोन दे देते हैं और प्रेजेंट स्केल ऑफ फाइनेंस पे देते हैं। तो इससे फार्मर को ये सुविधा रहती है कि अगर उसका अकाउंट एनपीए भी हो गया है तो वो शाखा से संपर्क करें, मेरे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जो उस गांव-गांव में जाके ओटीएस कैंप लगाते हैं और उन कैंप पे हम भी सुनिश्चित करते हैं कि हर हालत में उन लोगों को लोन दिया जा सके। जो लोग इसे, हम कभी भी ये नहीं चाहते कि किसान का लोन अगर खराब हो गया तो उसको नियमित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें किसान की एक समझ और किसान की एक जिम्मेदारी चाहिए कि वो शाखा में आए अपने लोन के बारे में बात करें और उसको ओटीएस की स्कीम के तहत पहले से एडजस्ट करें और फिर दोबारा लोन के लिए भी वो पात्र हो जाता है। ये एक स्पेशल स्कीम हमारी बैंक की अपनी है जिसको ड्यूली अप्रूव करा के हम लोग इस समय संचालन कर रहे हैं और हम ऐसा पा रहे हैं, हमने ये देखा है कि जो भी ओटीएस स्कीम में हम अकाउंट बंद करते हैं उसमें अगर आज का आप आंकड़ा लेंगे तो मेरी बैंक में 43% अकाउंट ऐसे हैं जिन्हें हमने दोबारा फाइनेंस किया है। और हम चाहते हैं कि ये जो सुविधा है ये किसानों तक पहुंचे, किसान इसको समझे। सबसे आवश्यक ये है कि आज की तारीख में अगर किसान का लोन खराब हो जाता है तो 3 लाख तक के लोन पर जो नियमित ब्याज है वो लगभग 14.5% लगने लगता है क्योंकि उसको सबवेंशन नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो बाहर हो जाती है।
लेकिन जब हम उसी सबवेंशन को दोबारा हम रेगुलर कर देते हैं तो उसे सबवेंशन मिलने लगता है। तो जो नियमित किसान हैं जिनके पास 3 लाख तक का केसीसी लिया हुआ है और वो इरेगुलर है, एनपी हो गया है, उस पर ब्याज बढ़ गया है, तो उन्हें चाहिए कि वो बैंक में आए, अपने पुराने अकाउंट को एडजस्ट करें और पुनः 3 लाख तक के लोन पर वो एलिजिबल हो जाएंगे कि उनको जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ 4% होगा, 14.5 नहीं। तो ये किसानों के हित में है, किसानों को चाहिए कि वो बैंक में अधिक से अधिक आके अपने अकाउंट्स को रेगुलराइज कराएं, समय से लें। अगर कहीं वो नहीं दे पा रहे हैं, कोई वजह है, तो उसमें ब्रांच मैनेजर से जाके निश्चित रूप से मिलें और सिर्फ उनकी साझेदारी और उनकी समझदारी के आधार पर ही ये काम हो सकता है। तो सर कोई ऐसी और भी योजना है जिनसे कि किसानों के हित के साथ साथ जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार नौजवान हैं, या को उनके और कोई ऐसी स्कीम है तो उनको भी बैंक के द्वारा कोई लाभ मिले और वो भी मतलब कहीं ना कहीं अपना रोजगार चलाएं या खोलें, तो उनके कोई सहायता प्रदान? बहुत बढ़िया, आप मैं इसमें ये बताने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री की एक मुद्रा योजना शुरू हुई थी PMAY, उसमें हमने अधिकांश लोन किए हैं। नौजवानों को चाहिए कि आजकल दो तरीके हैं, नौकरी हर व्यक्ति नहीं पा सकता ये निश्चित है, तो उसे चाहिए कि वो अपना स्वरोजगार खुद शुरू करें। बैंक उसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत या प्रधानमंत्री PMEGP में जो एप्लीकेशन आती हैं उनके तहत, या फिर जो स्टैंड अप इंडिया है, अगर उसे बड़ा लोन करना है, बड़ा काम करना है, तो उसके तहत शाखाओं से मिले और उसमें लोन लेके अपने काम को खुद सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करें। तो सर आपने मुद्रा योजना के तहत अब तक कितना लोन, मतलब कितने लोग बैंक को और कितना लोन उनको मतलब प्रोवाइड कर चुके? नहीं, ये मुझे बताने में अच्छा लग रहा है कि जो हमारा टोटल बजट था, हम बजट का 128% आज की तारीख तक लोन कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हम 150% से ऊपर इस अचीवमेंट को इस बार इस वर्ष में शो करेंगे। तो सर कोई मतलब साल का होता है कि मतलब साल में आपको मतलब इतना देना होता है? बिल्कुल, सरकार हमारे आंकड़े फिक्स करती है, हमारे बजट सरकार के द्वारा फिक्स होते हैं, जिसमें SLBC और हमारी स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक उसमें ये सुनिश्चित करती है कि इनको आपको इतने आंकड़े अचीव करने हैं, और उन आंकड़ों के सापेक्ष अगर आज की तारीख में आप हमारी अचीवमेंट देखेंगे तो लगभग 128% है, मतलब और बैंकों से ज़्यादा। हाँ, हमें 100% करना था, हमने 128% किया और हमें उम्मीद है कि हम लगभग 150% पर बाई मार्च एंड कर पाएंगे। और हम चाहते हैं व्यवसाय में हर उस आदमी को जो छोटा अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है उसे व्यवसाय करना चाहिए, रोजगार लेने की बजाय रोजगार देने वाला अगर हमारा युवा बन जाएगा तो इसमें बेरोजगारी की समस्या का हम बहुत हद तक निदान कर सकेंगे। तो सर और कोई नई योजना आ रही है जैसे कि और लाभ? हाँ, मैंने आपको FPO के बारे में बताया, ये जरूर बताना चाहता हूँ कि JLG और SHG जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, आज का जो ऋण अगर विस्तार करना है आपको, आपको लोन बढ़ाना है, तो हमारे लिए सबसे बेहतर उपयोगिता यहाँ बनती है। हमें ये चाहिए कि हम JLG और SHG के माध्यम से अधिक किसानों को जोड़ें, और ये लोग अभी तक प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, इनको उससे बाहर आके सर्विस सेक्टर में जाना पड़ेगा। ये लोग फार्मर्स के प्रोड्यूस को खुद एकत्रित करें और उसको मार्केट तक ले जाएं और अपनी सार्थकता बनाएं, और साथ में जो SHG प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं उनको भी मदद दें। इससे एक सामाजिक ताना बाना बनेगा, एक सौहार्द का माहौल रहेगा, हर आदमी एक दूसरे की मदद के लिए आएगा, तो हम बेहतर रिजल्ट्स दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे उम्मीद है कि स्वयं सहायता समूह जो हमने आज की तारीख में, हम इसके कैंप हमेशा लगाते रहते हैं, अभी रिसेंटली हमने नाबार्ड के चेयरमैन साहब ने जिसकी अध्यक्षता की थी एक कार्यक्रम किया था, जिसमें एक दिन में हमने 567 SHGs को क्रेडिट लिंक किया था और कुल मिला के 7,78,00,000 का ड्राइवसी की वितरित की थी। ये हमारा 1 तारीख को, 1 फरवरी को हमने इस कार्यक्रम का आयोजन इस साल में किया। ऐसे हम बहुत से आयोजन छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर करते रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम SHG के माध्यम को और SHG के मॉडल को आगे ले जाने में सक्षम हैं। सिर्फ किसानों से अनुरोध है कि जो SHG वो बनाए उसको सार्थकता से, पूरी तरीके से, लगन के साथ उसको बना के चले, कभी आपस में ईगो की सिस्टम ना रखें, और जितने लोग मिलें, 10 आदमियों का ग्रुप होता है, वो लोग अच्छा काम करेंगे तो बेहतर जाएगा। तो सर क्या इसके जागरूक करने के लिए लोगों को, किसानों को, क्या इस तरह के कोई आयोजन किए जाएंगे, कैंप लगाए जाएंगे गाँव में, मतलब किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा योजनाओं के बारे? बिल्कुल, हमारा पूरा प्लान है, हमारे पास FLC के कुल 28 सेंटर हैं पूरे स्टेट में, हमारा हर सेंटर और हर ब्रांच यूनिट इस बात को एक फैलाती है पूरे मार्केट में जाके, हम लोग बताते हैं उनको
कि एसएचजी एक अच्छा माध्यम। यही कारण है कि हमारे पिछला जो नाबार्ड ने हमें प्रोजेक्ट दिया था 1075 एसएचजी फॉर्म करने का, उसके सापेक्ष हमने 1100 से ऊपर एसएचजी बनाए हैं पिछले साल में, और हम उस टारगेट को अचीव करते हैं तो फिर हम उनको आगे क्रेडिट लिंकेज भी करते हैं। और ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें छोटे लोग, जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं है जिससे वो अपना व्यवसाय चला सकें, एक एडिशनल आमदनी कर पाते हैं। और कुछ एसएचजी निश्चित रूप से आज की तारीख में हमारे नेशनल अवार्डी भी हैं जो अच्छे आर्टिजन का काम करते हैं, और अभी जो सूरज कुंड का मेला चल रहा है उसमें भी उन लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, अच्छी सेल करते हैं। मेरा तो एक ही अनुरोध होगा कि ऐसे लोग जुड़े और अधिक से अधिक मात्रा में एसएचजी को इस ओर प्रेरित करें। कोई मतलब मधुमक्खी पालन भी कोई ऐसी योजना? हाँ, मधुमक्खी पालन, जितनी भी छोटी योजनाएं होती हैं। अभी हमने एक मशरूम का प्लांट लगवाया है जिसको लगभग 1.5 करोड़ का राशि हमने लोन भी दिया है कंडेला जींद जिले में, और उनके द्वारा अब हम ये चाह रहे हैं कि वो छोटे छोटे एसएचजीज को भी वो ट्रे प्रोवाइड कराएं जिससे वो भी अपनी आमदनी कर पाए। इसी तरीके से सतनाली में हमने पोल्ट्री का काम शुरू किया है जहाँ पर हम अगेन सो छोटे छोटे एसएचजी बना रहे हैं जो पोल्ट्री का काम करेंगे, ब्रॉयलर का काम करेंगे, एग लेइंग का काम करेंगे। और छोटे लोग में कम पूंजी चाहिए होती है लेकिन वो एक आदमी को व्यवसाय देते हैं तो उसकी रोजगार अगर चलेगा तो ये हमारे को मदद देगा और देश की भी उन्नति इसमें सार्थक रहेगी, ये मेरा मानना है। सर, किसानों की बात हो गई, नौजवानों के हित की बात हो गई, अब महिलाओं को लेकर बात करें तो किस तरह के हित हैं? नहीं, ये मैं आपको एक चीज़ इंगित करना भूल गया कि जो 567 हमने एसएचजी क्रेडिट लिंक किए हैं वो सारे महिला एसएचजी, और उस दिन जो वहाँ लोग मौजूद थे वो लगभग आप ये समझिए कि 1000 से ऊपर महिलाएं हिस्सा में पार्टिसिपेट की थी। महिला एसएचजी में हमारा ये मानना है, महिलाओं को एम्पावरमेंट की जब बात आती है तो हमारा ये मानना है कि जो भी महिला एसएचजी बनती हैं वो एसएचजी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं, और ऐसे महिला एसएचजी में से जो भी महिला चाहती है वो हमारे साथ बैंक मित्र बन सकती है, हमारी बैंक उसको बैंक मित्र बनाने में प्रमोट करती है। और जो आदमी बैंक मित्र बन जाएगा उसको हम एक माइक्रो एटीएम प्रोवाइड करते हैं नाबार्ड की सहायता से, और वो माइक्रो एटीएम को लेके अपने गांव में और अपने नज़दीकी गांव में बैंकिंग सुविधाएं डोर स्टेप पे जाके दे सकती है। और जो ऐसी सक्सेसफुल बैंक मित्र बनेंगी महिलाएं, उन महिलाओं को हम अपना रिकवरी एजेंट भी बनाने में तत्पर रहते हैं। तो आज की तारीख में हमने लगभग 115 महिलाओं को बैंक मित्र बनाया है जो जिनको माइक्रो एटीएम हम उपलब्ध करा रहे हैं, मार्च तक सभी को माइक्रो एटीएम दे देंगे। ये एक ऐसी स्कीम है जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत फायदा मिला, और इन लोगों की कार्यकलाप, इन लोगों की जो क्रियाशैली है वो हमें बहुत उन्नति देने वाली है। ये लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ को मूवमेंट की तरह लेते हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसका निर्वाह करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। देश विदेश की, राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।